नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर। मित्रों, आज जो ये वीडियो बना रहे हैं हम, ये जन्म पत्री में इंसान की संतान सुख के ऊपर बना रहे हैं। क्या ऐसी प्लैनेट्स की परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होती हैं जिस वजह से हम एनालाइज कर पाएं कि उसकी कुंडली के अंदर संतान सुख है कि नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो D1 चार्ट में जो फिफ्थ हाउस होता है, यानी लग्न चार्ट में जो फिफ्थ हाउस है, वो इंसान की संतान का सुख बताता है। वो तो अगर उस हाउस का, यानी कि पंचमेश, अगर फिफ्थ का लॉर्ड अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा है, या उच्च या स्वराशि के अंदर वो बैठा हुआ है जाकर, या पांचवें घर के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और या पांचवें घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो ये संतान सुख की इंडिकेशन देती है। यदि उसमें अगर मेल प्लैनेट्स ज्यादा हैं तो ये मेल चाइल्ड की इंडिकेशन देती है, और अगर फीमेल चाइल्ड ज्यादा है तो उसमें फीमेल चाइल्ड की वो इंडिकेशन दे रहा है वो फिफ्थ हाउस। ऐसे ही संतान सुख को पढ़ने के लिए हम लग्न चार्ट के अलावा हम सप्तमांश कुंडली का भी, जो कि सूक्ष्म कुंडलियों में आती है, वर्क चार्ट में आती है, सप्तमांश कुंडली का भी हम फिर अध्ययन करते हैं, उसकी भी हेल्प लेते हैं इसके अंदर। तो D7 चार्ट में, जिसको सप्तमांश बोलते हैं, अगर D7 चार्ट में अगर उसका लग्नेश, अगर लग्न का लॉर्ड बलि होकर बैठा हुआ है, या उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रहों से उसकी उस पे की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, या जो लग्न का लॉर्ड है वो स्वराशि में बैठा हुआ है या उच्च के अंदर बैठा हुआ है, तो संतान सुख की इंडिकेशन वो D7 चार्ट में दे रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सप्तमांश कुंडली है तो उसमें जो पांचवा घर होता है, पांचवें घर से हम संतान, पहली संतान का सुख देखते हैं, और सातवें घर से दूसरी संतान का, नौवें घर से तीसरी संतान का, और ग्यारहवें घर से चौथी संतान का सुख देखते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा जब भी आप एनालिसिस करते हो। लेकिन D7 का, देखिए, लग्न का बलि होना बहुत जरूरी है। लग्न का लग्नेश बलि होकर बैठा हुआ अगर, तो वो इंडिकेट दे रहा है कि उसकी, उस जातक की संतान जो होगी वो उसको सुख प्रदान करेगी। ऐसी फिफ्थ हाउस, D7 का फिफ्थ हाउस अगर बहुत, उसका जो लॉर्ड है बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है, या अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या अच्छे ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, या फिफ्थ हाउस है जो कि उसके ऊपर ग्रह, अच्छी ग्रहों की दृष्टि है, प्लस अच्छे ग्रहों से वो युक्त है, तो ये भी संतान सुख का बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही है इसके बारे में कि हाँ, इसको संतान सुख प्राप्त होगी। तो D7 में ध्यान रखिएगा, यदि अगर उसके लग्न के अंदर या पंचम में चंद्र, शुक्र और बुध बैठ गए, जो कि फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो ये फीमेल चाइल्ड की इंडिकेशन दे रहा है। ऐसी D7 के लग्न में या फिफ्थ हाउस में अगर उसके अंदर मेल प्लैनेट्स बैठ गए हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, गुरु हो गया, और सूर्य गुरु, ये दो प्लैनेट्स तो है ही हैं, और साथ में अगर मंगल भी अगर वहां पे बैठ जाता है, तो मंगल भी एक मेल प्लैनेट माना गया, तो ये तीन प्लैनेट्स अगर बैठ जाए, इनकी दृष्टि पड़ जाए, या ये उस हाउस के लॉर्ड हो, तो ये मेल चाइल्ड की इंडिकेशन उस D7 चार्ट में हमें दे रहा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, D7 के लग्न में यदि पाप ग्रह बैठ गए हैं, या D1 के, यानी लग्न चार्ट के फिफ्थ हाउस में पाप ग्रह बैठ गए हैं, तो ये संतान का, या तो उसको, उस इंसान को सुख कम मिलेगा, या तो, या उसकी जो औलाद होगी वो डिले होगी, अगर होगी तो हो सकता है वो रोगी भी हो, या संतान से वो सुख नहीं उठा पाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, D1 का अगर लग्न का लॉर्ड, D1 का अगर लग्न का लॉर्ड 6, 8, 12 में जाके बैठ जाता है D7 में, तो भी संतान सुख कम हो सकता है। ऐसी D1 का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर D7 में 6, 8, 12 में जाके बैठ जाता है, तो भी वो संतान का सुख उसको कम मिलता है। तो ये त्रिक भावों में जब भी ये लॉर्ड बैठते हैं तो वो सुख कम कर देते हैं। D7 का लग्न भी अगर पापी ग्रहों से पीड़ित हो, या त्रिक भावों में 6, 8, 12 में अगर वो बैठ जाए जाके, तो भी संतान सुख कम रहता है। इसके उल्टा अगर वो D7 का जो लग्न का लॉर्ड है अगर अच्छे घरों में बैठा हुआ है, तो ये मैंने शुरू में जैसे बता दिया, तो एक कंप्लीट संतान सुख का ये इंडिकेशन दे रहा है उस कुंडली के अंदर। इसी के साथ साथ हम संतान के लिए सर्वाष्टक कुंडली को भी देखते हैं। तो सर्वाष्टक कुंडली में जब अगर फिफ्थ हाउस में 28 या 28 से ऊपर पॉइंट्स होते हैं, तो ये संतान का बहुत अच्छा सुख उस कुंडली में इंडिकेट करता है। तो याद रखिए, 28 या 28 से ऊपर पॉइंट फिफ्थ हाउस में। इसी तरीके से अगर D7 में राजयोग बनता है, अगर D7 में सप्तमांश कुंडली में अगर राजयोग बनता है, तो उस इंसान की जो भी संतान होगी वो बहुत अच्छी लाइफ में सक्सेस अचीव करेगी, और
अपने माता पिता को सुख प्रदान करेगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। डी वन में यदि फिफ्थ का लॉर्ड भी 6/12 में बैठता है तो भी उसका फल भंग हो जाता है, तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। और डी सेवन, यदि डी सेवन का जो लग्नेश है वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठता है तो वो भी उस चीज की इंडिकेशन दे रही है कि उनकी जो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो अपने माता पिता को बहुत ही सुख प्रदान करेगी। तो इसी तरीके से हम अगर फिफ्थ हाउस का जैसे डी सेवन में एनालिसिस करते हैं, सेवन्थ का भी, नाइन्थ का भी और इलेवंथ का भी करते हैं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ चाइल्ड के लिए। तो ये चीजें आप, ये परमुटेशन जितने भी आज मैंने बताया संतान सुख के योग के ऊपर, ये आप जरूर अपने जहन में रखिएगा। इसमें मैंने डी वन, डी सेवन और सर्वाष्टक वर्क ये सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो आज इसमें आप अगर आप ये सारे रूल्स एज इट इज फॉलो करेंगे तो आपको कंप्लीट एनालिसिस संतान सुख के ऊपर किसी की भी कुंडली में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं फिर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज हम फ्यूचर में बनाते रहें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।